हेलो दोस्तों, 8G क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों बहुत ही अच्छी खबर है, नवंबर के प्रथम सप्ताह में होगी काउंसलिंग। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा आयोग कह रहा है। दोस्तों मैं बता दूं कि जो है अब आयोग अपना वादा नहीं पूरा करेगा, बल्कि आयोग को जो है चारों तरफ से मिला हुआ दबाव, जिसके कारण से वो सारी प्रक्रियाएं क्या कर रही है, तेजी से करने का प्रयास कर रही है। क्योंकि आयोग अब किसी भी तरीके से बच नहीं सकता है, क्योंकि दोस्तों उनको पता है कि स्टूडेंट जो है, अगर हम नवंबर में भी अगर कंप्लीट नहीं करें तो जो है स्टूडेंट क्या करेगा। दोस्तों इसके लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, वीडियो पसंद आता है एक लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों बता दूं कि 1218 अभ्यर्थियों का जो है अक्टूबर में जो है सारा प्रक्रिया खत्म हो जाएगा, और जैसे ही नवंबर के प्रथम सप्ताह में आप पहुंचेंगे दोस्तों, आपको काउंसलिंग लिस्ट देखने को मिलेगा और आप जो है काउंसलिंग के लिए तैयार हो जाएं। दोस्तों मैं बता दूं कि कल के ऑफिशियल वेबसाइट में जो है, कल के दिन में जो है एक नोटिस आया है। इस नोटिस में जो है आयोग ने दबाव में आकर के जो है ये सूचना जारी की है, जैसा कि आप समझ सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि ये पूरा जो है आयोग की आवश्यक सूचना ज्ञापन लिखा हुआ दिनांक 19/9/21 द्वारा पदक सूची में अंकित अनुक्रमांक वाले 1218 अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे विज्ञापन संख्या दिया हुआ दोस्तों, प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 की मुख्य परीक्षा हेतु दिनांक 4/10/2021 तक ऑनलाइन आवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में निर्धारित तिथि जो दिया हुआ है 4/10/2021 के पश्चात मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी 4 तारीख तक, यानी 4 अक्टूबर तक जो है इसका ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, वो भी मेंस का जो फॉर्म फिलअप हो रहा है 1218 के मेट। दोस्तों बता दूं कि जो उसके बाद जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहां से देखें कि मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने वाले अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन दिनांक यानी मेंस जो होगा 18/10/2021 को संभावित है। दोस्तों 18/10/2021 को जो है परीक्षा प्रारंभ होगी, और एक ही दिन में, आपको पता है दोस्तों कि 12/18 कैंडिडेट का परीक्षा लेने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, एक दिन में जो है इसका मेंस परीक्षा कंप्लीट कर लिए जाएंगे। उसके बाद तुरंत एक नोटिस आएगा, 5 से 6 दिनों के अंदर इसका टाइपिंग हो जाएगा दोस्तों। और कुछ कैंडिडेट जो फिजिकल में सिलेक्टेड हैं, एक दिन जो है उसको समय मिलेगा फिजिकल के लिए। और फर्स्ट वीक में, जैसे आप नवंबर के फर्स्ट वीक में पहुंचेंगे, आयोग के बयान के मुताबिक, सचिव के बयान के मुताबिक जो है दोस्तों फर्स्ट वीक में ही जो है काउंसलिंग लिस्ट आ जाएगी, और करीब आपको और 10 दिन का समय दिया जाएगा सारे कागजात तैयार करने के लिए। उसके बाद जो है आपको यानी काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों और खबर जब आप आगे बढ़ते हैं, इससे आप देख सकते हैं कि जो है बीएसएससी ने एक एक करके जो भी सारी वैकेंसी पहले से रुकी हुई थी सारा प्रक्रिया उसका कर दिया गया है। देख सकते हैं कि जो है कल के ही दिनों में 29/9/2021 देख सकते हैं, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक यहाँ दिया हुआ है दिनांक 27/7/2021 द्वारा प्राप्त निदेशक आलोक में विज्ञापन संख्या दिया हुआ है पद चालक की 119 अभ्यर्थियों को 13 जिलों में संलग्न सूची के अनुसार अनुशंसा प्रेषित की गई है। जिलावार अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित है। यानी जो है दोस्तों 119 अभ्यर्थियों को किस जिले में भेजा गया है उसके मतलब पद संभालने के लिए दोस्तों, ये जो है उसका लिस्ट आप देख सकते हैं कि जो है लगभग 119 कैंडिडेट को इसमें जो है सफल घोषित करके जो है उसको कह सकते हैं एक तरह से जो है मेरिट दे दिया गया है, किस जिले में उसको जो है कार्य अपना संभालना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत सारे कैंडिडेट को इसमें जो है 119 कैंडिडेट लगभग जो है 13 जिलों में जो है शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। बता दूं कि फाइनली जो है अब बीएसएससी कैंडिडेट को जो है नवंबर के फर्स्ट वीक में ही जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, यानी अक्टूबर तक दोस्तों आपको वेट करने पड़ेंगे। ये बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों। देखिए अच्छी खबर तो नहीं है, लेकिन आपको मान के अभी चलना दोस्तों कि यही एक अच्छी खबर है। और आयोग अगर इस पर लेट करती है तो आयोग ही खुद इसका जो है भुगतेंगे, क्योंकि आयोग को पता है कि छात्रों से जो है किस प्रकार उसका प्रक्रिया बना हुआ है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आता है एक लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।